मूवी जगत के जाने माने कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के कुछ हफ्ते बाद ही शहनाज गिल अपने काम पर दोबारा लौटी है। शहनाज गिल के कुछ पुराने कमिटमेंट्स थे जिन्हें उन्हें समय पर पूरा करना था। एक्ट्रेस ने बीते 7 अक्टूबर को अपनी फिल्म हौसला रख के प्रमोशन गाने को शूट भी किया। साथ ही उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ कई इंटरव्यू भी दिए। शहनाज गिल की नई तस्वीरें और वीडियोस को देखने के बाद फैंस उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं और लोगों ने उनकी खूब तारीफ भी की। इसी के साथ कई लोगों ने ये बात भी नोटिस की कि इंटरव्यू के दौरान शहनाज खोई खोई सी नजर आ रही थी। वो इंटरव्यू के दौरान कैमरे के सामने देखने की जगह इधर उधर देख रही थी। लोग शहनाज गिल की हालत को देखकर काफी परेशान भी थे। शहनाज गिल से जुड़े सूत्रों से हमें पता चला कि वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो ना चाहकर भी बार बार रोने लग जाती है। वो मजबूत रहने की काफी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें रियलिटी का एहसास होता है तो उन्हें एकदम से लगता है कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो, उनका वो पहले जैसा स्पार्क कहीं गायब हो गया हो, उनकी वो हंसी जैसे कहीं गायब हो गई हो। अब शहनाज गिल इस चीज को स्वीकार कर पा रही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो लकी हैं कि उनके आसपास इस समय काफी केयरिंग लोग हैं जो उनको हिम्मत दे रहे हैं। शहनाज ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि उनके आसपास वो केयरिंग लोग कौन हैं। इंटरव्यू के दौरान शहनाज ने दिलजीत की काफी तारीफ भी की। वो कहती हैं दिलजीत बहुत ही भले इंसान हैं और वो शूटिंग के दौरान लगातार शहनाज का ख्याल रख रहे हैं। सिद्धार्थ की माँ लगातार फोन के जरिए शहनाज के टच में भी थी। रीता माँ इस समय शहनाज की सबसे बड़ी सपोर्टर के रूप में हैं। आपको बता दें कि शहनाज फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला की माँ के साथ ही रह रही हैं। फिलहाल के लिए हम यही आशा करेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में शहनाज गिल की हिम्मत ना टूटे और अब वो अपने सपनों को आकार देते हुए खुद में सिद्धार्थ शुक्ला को जिंदा रखें। और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि शहनाज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहे बॉलीवुड ब्रेक के साथ।